रामपुर से है जहां फोन पे के माध्यम से किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहा था। पेमेंट नहीं होने पर गूगल सर्च इंजन जाकर फोन पे कस्टमर केयर नंबर पर सर्च कर जो नंबर प्राप्त हुआ उस नंबर पर कॉल करते ही आवेदक जो है काफी ज्यादा रुपयों का फ्रॉड उसका बन गया। आवेदक की रिपोर्ट पर थाना रघुनाथ नगर में दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की लगातार मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक बलरामपुर मोहित गर्ग द्वारा की जा रही है। साथ ही पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसके पैसे जो है उस व्यक्ति को वापस करा दिए हैं। ठगी हुआ था उसको हम रिटर्न कर दिए, उसको न्यायालय हम लोग को दोष मुक्त किया गया कर दिया। अब कभी जिन्हें ऐसा काम नहीं करूंगा। रघुनाथ नगर थाना में अपराध कायम करवाया गया था 420 आईटी एक्ट के अंतर्गत। उनके द्वारा फोन पे के माध्यम से वो किसी को पेमेंट कर रहे थे, जो पेमेंट नहीं होने पे उन्होंने गूगल सर्च से फोन पे कस्टमर केयर का नंबर निकाला, जिसमें गलत नंबर जो साइबर अपराधी आजकल कर रहे हैं, ठगी करते हैं, उन्होंने वही मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया। गलत नंबर उनको गूगल सर्च से मिला, जिसके बाद उनके साथ साइबर ठगी हुई, जिसमें उनके अकाउंट से 549,700 रुपये की ठगी हुई।